पिछले 78 दिन से मणिपुर हिंसा की चपेट में है। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, लेकिन हिंसा के दौरान 4 मई का एक वीडियो जो सामने आया है और ये वीडियो वायरल हो रहा है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। महिलाओं के साथ एक भीड़ ने जो हैवानियत की, वो वीडियो जो वायरल है हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता दें कि इस वीडियो के खिलाफ अब पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है। जिस जिसने ये घटना इस वायरल वीडियो में देखी, उसकी आंखें शर्म से झुक गई और हर कोई आक्रोशित। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों लोगों की भीड़ महिलाओं को निशाना बनाती रही, पहले आरोपी को अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर ऐसी घटना को लेकर इतनी देर से कार्रवाई क्यों की गई? अपमान का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार क्यों जागी? मणिपुर सरकार 78 दिन के बाद भी हालात मणिपुर के पूरी तरह काबू क्यों नहीं कर पाई? दो समुदायों के लोग आमने सामने क्यों हैं? अब तक इस स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं, गैंग रेप हो रहा है। तो ऐसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है? प्रधानमंत्री इतनी देर चुप क्यों थे? वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, सीबीआई से इंक्वायरी कराए प्रधानमंत्री। तो आज प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद आज बोलते हैं तकलीफ हो रही। वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट जो भी है उसको पकड़ना है। जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। इतना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक खामोश है, अब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर वहाँ बीजेपी पार्टी पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंग रेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, क्या कांग्रेस को महिला केवल एक राज्य की दिखती है? क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? महिला महिला में आप भेदभाव क्यों करते? मोदी जी माफी मांगे, मणिपुर तत्काल मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ कर कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।